यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने इस वक्त ताकत झोंक दी है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की 16 मंत्रियों के साथ हो रही मीटिंग खत्म हो गई है। डेढ़ घंटे की बैठक में उपचुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ। मीटिंग में कई मंत्रियों ने सीएम योगी से कहा कि सिफारिश पर नहीं बल्कि जिताऊ उम्मीदवार को टिकट मिलना चाहिए। और इस पर बात करने के लिए हमारी उत्तर प्रदेश की ब्यूरो चीफ रुचि कुमार हमारे साथ जुड़ चुकी है। रुचि जी, क्या इस वक्त उस बैठक में तय हुआ जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि सिर्फ जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट मिलना चाहिए, इसके अलावा और क्या क्या बातें उस मीटिंग में मंत्रियों के द्वारा रखी गई और क्या उन तमाम सुझावों को माना जाएगा? देखिए, 10 जो उपचुनाव जिन सीट्स पे होना है वहां से ये मंत्री सब दौरा करके आए थे, ये 16 मंत्री, तो सबने अपने अपने जो सीट है उसका फीडबैक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया कि वहाँ पर क्या इक्वेशंस हैं, कैसा उम्मीदवार होना चाहिए, पार्टी के लिए कैसा माहौल है, कैसा कैंडिडेट आप उतारेंगे तो पार्टी को फायदा होगा। लेकिन एक बात सभी ने कहा कि सिफारिशी उम्मीदवार उतारने से पार्टी को लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो इस बार उपचुनाव में ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देने से पार्टी को बचना चाहिए। जिन नेताओं की साफ छवि है, जो ईमानदार हैं, जिनके इलाके में पकड़ है, उनको ही पार्टी टिकट दे, तो इस तरह की बात ये सबने कही। और एक बात ये भी वहाँ पर आई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, जो पार्टी के वहाँ पे नेता भी मौजूद थे, जो बड़े सीनियर मंत्री जो थे इस मीटिंग में, सुरेश खन्ना जैसे वहाँ पर थे, उनका ये कहना था कि एक तरह से कार्यकर्ताओं में ये बात पहुँचानी है कि हमने जो बाई इलेक्शन, जो पिछला बाई इलेक्शन हुआ था वो आजमगढ़ और रामपुर का, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, आजमगढ़ जहाँ से अखिलेश यादव जीते थे चुनाव, लोकसभा चुनाव वो जीते थे, और रामपुर जहाँ से आजम खान जीते थे, जो सपा का गढ़ था, उसको हमने ढहा दिया था बाई इलेक्शन में, वो सीट हमने जीत ली थी। तो इस बार ये जो उपचुनाव हो रहा है 10 सीटों पर, ऐसा कुछ नहीं है कि हम जीत नहीं सकते, बस हमको पूरी ताकत उसमें लगानी है, ये बात कार्यकर्ताओं तक पहुँचानी है। अब जो अलग अलग सीट पे गए, अलग अलग फीडबैक मिला, ज़्यादातर मंत्रियों ने यही कहा कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसकी बड़ी वजह है कि जो इंडिया गठबंधन है वो एक तरह का उसने नैरेटिव फैलाया कि संविधान बदल दिया जाएगा, या जैसे जातीय समीकरण का ध्यान रखा, या कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं था, टिकट देने में गड़बड़ी हुई थी। तो अगर ये सब चीज़ें उपचुनाव में ठीक की जाएंगी तो पार्टी बेहतर परफॉर्म कर पाएगी। बिल्कुल, जिन चीजों का लोकसभा में नुकसान हुआ है, ऐसे में नहीं चाहते हैं कि इन 10 सीटों में भी कुछ ऐसा ही दोहराया जाए, और यही वजह कि मंत्री बकायदा अपने अपने इलाके में गए, जैसा रुचि जी बता रही थी, और उसी फीडबैक को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि जी पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना की मुहिम की। डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ के बाद से ही सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस एक्शन में है। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार कल से जारी है। देर रात आतंकियों के साथ सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुठभेड़ भी हुई और इसी दौरान करीब 20 राउंड फायरिंग हुई। इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के एक आतंकी संगठन ने ली है। इसी संगठन ने कठुआ आतंकी हमले की भी जिम्मेदारी ली थी। और इसी बीच खबर है कि जम्मू के पहाड़ों और जंगलों में 50 से ज्यादा आतंकी छिपे हो सकते हैं। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकियों की तलाश में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं, उनकी तलाश कर रहे हैं। डोडा मुठभेड़ में शहीद हुए राजस्थान के 2 लाल का आज अंतिम संस्कार होगा। शहीद अजय सिंह नरूका और शहीद विजेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर जयपुर लाया गया। यहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद दोनों को उनके पैतृक गाँव ले जाया जाएगा। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिसमें अलग अलग तरीके से किस तरीके से उनके सर्च ऑपरेशन वहां पर डोडा में लगातार चल रहा है। एक एक करके आतंकियों की तलाश की जा रही है ताकि आतंकियों को ढूंढ कर निकाला जाए और उनसे बदला लिया जाए जवानों की शहादत का। और इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर और ड्रोन से सर्च ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि घने जंगलों में आतंकी छिपे हुए हैं। और आज शहीदों को अंतिम विदाई भी दी जाएगी। 3 जवानों के पार्थिव शरीर को उनके घरों में पहुंचाया गया, जयपुर ले जाया गया और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो जिस तरीके से आतंकियों की तरफ से लगातार जम्मू रीजन में खासतौर पर हमले ज्यादा बढ़ रहे हैं, उसके बाद अब सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सुरक्षा बलों की तैनाती जम्मू रीजन में ज्यादा हो गई है क्योंकि पहले जम्मू रीजन में हमले नहीं होते थे, लेकिन अब आतंकियों ने हिंदू बहुल इस जम्मू रीजन को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया है। यहीं पर आतंकी हमलों को आजकल वो अंजाम दे रहे हैं, लेकिन वो घने जंगलों का फायदा उठा रहे हैं, उन घने जंगलों में जाकर छिप जाते हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा बल भी लगातार उनको हेलीकॉप्टर्स के जरिए सर्च कर रहे हैं ताकि उनको ढूंढ कर निकाला जाए।
राजस्थान के शहीद सिपाही अजय सिंह नरूका का पैतृक गांव झुंझुना का भैसावता है, यहां उनका अंतिम संस्कार होगा। शहीद सिपाही विजेंद्र कुमार का पैतृक गांव डुमोली है, यहां उनका अंतिम विदाई दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान एक कैप्टन समेत 4 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए थे। इन शहीदों में कैप्टन ब्रिजेश थापा, नायक डी राजेश, सिपाही विजेंद्र कुमार, सिपाही अजय सिंह नरूका, ये जवान दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश, झुंझुनू, राजस्थान के झुंझुनू और राजस्थान के झुंझुनू के एक और हमारे जवान हैं जो इस पूरे हमले में शहीद हुए हैं। कैप्टन ब्रिजेश थापा जो कि लीड कर रहे थे इस टीम को, दार्जिलिंग के पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। इसके अलावा नायक डी राजेश श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश से, और साथ ही साथ सिपाही विजेंद्र कुमार जो राजस्थान के झुंझुनू से हैं, और सिपाही अजय सिंह नरूका ये भी राजस्थान के झुंझुनू से हैं जो कि कल हुए आतंकी हमले में शहीद हुए हैं। इनके पार्थिव शरीर को इनके घरों, इनके पैतृक गाँव में ले जाया गया है। जम्मू कश्मीर में सेना आतंकियों की तलाश में युद्ध स्तर पर अभियान चलाए हुए हैं। सेना को 50 से ज्यादा आतंकियों की तलाश है जो कि जंगलों में छिपे हुए हैं, पहाड़ियों में छिपे हुए हैं, और यही वजह है कि हेलीकॉप्टर्स के जरिए, ड्रोन्स के जरिए उनको सर्च किया जा रहा है ताकि उनको ढूंढा जा सके, वो जहां पर भी छुपे हुए हैं। साथ ही साथ ये जंगलों और पहाड़ियों का सहारा ले रहे हैं ताकि इनको कोई ढूंढ ना पाए, लेकिन हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं ताकि इन सभी आतंकियों को ढूंढ निकाला जा सके। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के देसा इलाके में सुरक्षा बलों का महा ऑपरेशन चल रहा है। इस समय इंडिया टीवी ठीक उसी जगह पर मौजूद है जहां पर ये ऑपरेशन बड़े पैमाने पर लॉन्च किया गया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि ये वही जंगल का इलाका है, और अगर इस तरफ आप देखेंगे तो सेना का वाहन है, यानी इसके आगे जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी जा रही है। बहरहाल यो अपडेट बड़ा निकल कर सामने आ रहा है कि सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की इस मुठभेड़ में एक ऑफिसर समेत सेना के 4 जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं, क्योंकि ये यहां पर एक ऑपरेशन स्पेसिफिक एक इनपुट मिला था सुरक्षा बलों को कि इस इलाके में आतंकवादी छिपे हुए हैं, जहां पर एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन के दौरान जो है वो आतंकियों के साथ कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश होता है। मुठभेड़ के दौरान जो है वो 4 जवान, यानी एक ऑफिसर और 4 जवान जो है वो कुल शहादत पा जाते हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि ये काफी डेंस फॉरेस्ट है। अगर नीचे से इस इलाके की हाइट देखी जाए, लगभग 18 से 20 हजार फीट की ऊंचाई है, और पीछे का जो ये जंगल का इलाका है, ठीक इसी जगह महा ऑपरेशन सुरक्षा बलों का चल रहा है, और इसके साथ सुरक्षा बलों के द्वारा तमाम ड्रोन का सहारा या फिर हेलीकॉप्टर के जरिए जो है वो नजर रखी जा रही है। उन आतंकवादियों की तलाश जो है वो की जा रही है ताकि उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ कर मार गिराया जाए। बताते हैं जहां पाकिस्तान ने टेरर कैंप एक्टिवेट किए हैं और यहां आतंकियों की ट्रेनिंग दी जा रही है। निकियाल कोटली खुरेटा, ये वो जगह है जहां पर पाकिस्तानी फौज ने आतंकियों के कैंप बना रखे हैं। ये देखिए कोटली, इसके अलावा निकियाल और खुरेला, ये बिल्कुल जम्मू और श्रीनगर रीजन से सटे हुए ये इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान ने अपने टेरर कैंप्स को एक्टिवेट कर रखा है। यहां पर आतंकियों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है और यहीं से बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उनको घुसपैठ कराई जाती है ताकि वो इन रीजन को, यानी कि जम्मू और श्रीनगर रीजन को वो निशाना बनाए। ऐसे में पहले कठुआ और अब डोडा में आतंकी हमले का पाकिस्तानी कनेक्शन लगातार सामने आ रहा है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान अपने ट्रेंड आतंकवादियों को, रिटायर्ड जवानों को भारत में भेज रहा है। हर ग्रुप को कम से कम 1,00,000 रुपया दिया जाता है ताकि वो आतंकी बनकर भारत में घुसपैठ कर पाए, और इसके साथ साथ आतंकियों के पास M4 राइफल जो, और इसमें चाइनीज गोलियों से ये लैस होती है जो M4 राइफल्स उन आतंकियों को दी जाती है, लेकिन इसके साथ साथ आतंकियों को स्मार्टफोन और रेडियो सेट भी कम्युनिकेशन के लिए दिए जाते हैं ताकि वो पाकिस्तान में बैठे अपने सरगनाओं से कॉन्टैक्ट कर सके। इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर है उस पर बनी सुरंगों के जरिए इनको घुसपैठ कराई जाती है भारत में, और घुसपैठ में मदद करने वालों को 10 से 50 हजार का इनाम भी दिया जाता है। ऐसे में किस तरीके से पाकिस्तान ने अपना पूरा आतंकी कनेक्शन पूरे किस तरीके से ये कनेक्ट बनाए हुए हैं, उससे साफ तौर पर दिखता है कि आतंकियों की घुसपैठ जितनी ज्यादा हो रही है, खासतौर पर जो 50 आतंकी जो इस वक्त जंगल में छिपे हुए हैं उनकी तलाश जैसे की जा रही है, लेकिन हमारे सुरक्षा बल भी पूरी
पूरा तैनात है और पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरह आतंकियों को ढूंढकर ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन आतंकी अगर ऐसे ही हमारे देश में घुसपैठ नहीं करते हैं, इसके लिए उनके मददगार भी यहीं पर होते हैं। ओवरग्राउंड वर्कर, जिसे शॉर्ट में OGW का कहा जाता है, ये आम लोगों की तरह ही रहकर आतंकियों के लिए काम करते हैं। किसी आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए OGW ये आतंकवादियों के लिए जमीन तैयार करते हैं और इसके अलावा पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स भी इनकी मदद करते हैं। तो ओवरग्राउंड वर्कर्स जो कि आतंकियों को घुसपैठ करने में मदद करते हैं, पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी रेंजर्स इनकी मदद करती है। घुसपैठ होती कैसे है? दरअसल 13 छोटे नाले हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पर और इसके साथ साथ 3 नदियां हैं। इन 13 नालों और 3 नदियों की मदद से, पहाड़ी रास्ते की मदद से आतंकियों को घुसपैठ भारत में करवाई जाती है। जम्मू रीजन में अगर 2020 से 2024 के आतंकी हमलों की बात करें तो 452 आतंकी हमले, 623 टेररिस्ट ढेर किए गए और इसके साथ साथ 117 जवानों की शहादत भी हुई है, वहीं 105 सिविलियंस की भी मौत हुई है। तो ऐसे में जो डेटा सामने आ रहा है उसमें 452 आतंकी हमले पिछले 4 साल में जम्मू रीजन में हुए। डोडा में हुआ हमला जम्मू रीजन में 8वां आतंकी हमला है। इसकी शुरुआत 9 जून को हुई जब आतंकियों ने रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर गोलियां चलाई थी। इसके बाद 11 जून को हीरानगर में सेना की टीम, सर्च टीम पर अटैक किया गया। इसके बाद 11 जून को ही कठुआ में घुसपैठ की कोशिश आतंकियों की तरफ से की गई। 12 जून को भद्रवाह और डोडा में पुलिस पर हमला किया गया, गंगौर में मुठभेड़ हुई। उसके बाद 26 जून को डोडा में, गंगौर में 3 आतंकियों को ढेर किया। कठुआ में 8 जुलाई को सेना के ट्रक पर हमला किया गया और फिर हमला हुआ 15 जुलाई को, 2 दिन पहले डोडा में, जिसमें देसा में एनकाउंटर हुआ जिसमें 4 जवान शहीद हुए। जम्मू रीजन की अगर बात करें तो सिर्फ डोडा में 34 दिन में ये 5वां एनकाउंटर है। 34 दिन में 5वां एनकाउंटर हुआ है। दरअसल पहला 11 जून को पहली मुठभेड़ हुई थी जिसमें 6 जवान घायल हुए थे। इसके बाद दूसरी मुठभेड़ 12 जून को यानी अगले ही दिन हुई, इसमें SOG के जवान जख्मी हुए थे। फिर तीसरी मुठभेड़ 26 जून को कुछ दिन बाद होती है जिसमें 3 आतंकी ढेर हो जाते हैं। इसके बाद चौथी मुठभेड़ 9 जुलाई को होती है जिसमें मौके से आतंकी भाग जाते हैं और साथ ही साथ 5वीं मुठभेड़ 15 जुलाई 2 दिन पहले होती है जिसमें सेना के 4 जवान शहीद हो जाते हैं। और अब बात करेंगे जुलाई महीने में चल रही जल से जंग की। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक मानसूनी आफत है। यूपी के 20 जिलों में इस वक्त बाढ़ का प्रकोप है। बाढ़ से 18 लाख लोग प्रभावित हैं। वहीं बिहार में 18 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और 9 जिलों में नदियां डेंजर लेवल के ऊपर बह रही हैं। 10 राज्यों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल, असम, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, ये वो तमाम जिले हैं, वो तमाम राज्य हैं जिसके तमाम जिले लगातार बारिश की चपेट में हैं। जिस तरीके से मॉनसून इस बार लोगों के लिए आफत बनकर आया है, ऐसे में हर जगह पर जल जमाव, लैंडस्लाइड, ये तमाम तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र के जालना की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहां पर एक बाइक सवार पानी में फंस गया। तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और इसी सैलाब को पार करना उस बाइक सवार के लिए महंगा पड़ गया। गनीमत रही कि किनारे पर खड़े लोगों ने तुरंत पहुंचकर उस युवक को बचा लिया। महाराष्ट्र के बाद बात अब कर्नाटक की करते हैं जहां के शिवमोगा में बाढ़ से हालात डेंजर बने हुए। लगातार बारिश के चलते यहां पर रिहायशी इलाके डूबे हुए हैं। जल भराव से मुसीबत बढ़ गई। घरों में लोगों के पानी घुस गया है। सड़कों पर दरिया जैसा मंजर नजर आ रहा है। वहीं बिहार के अररिया के फारबिसगंज में भी रविवार को एक पुल ध्वस्त हुआ। परमान नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण ये घटना घटी। पुल का निर्माण 2004 में ग्रामीण कार्य विकास विभाग की ओर से किया गया। पुल के बह जाने की वजह से फारबिसगंज के पूर्वी इलाकों के 15 से ज्यादा गांव का आवागमन प्रभावित हुआ है। वहीं तमिलनाडु के कोयम्बटूर की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहां पर नोयल नदी का जलस्तर बढ़ गया जिसकी वजह से ओवरफ्लो हो गया नाला। आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से डैम ओवरफ्लो हो गया और बहाव इतना ज्यादा तेज है। ऐसे में अलग अलग जगहों पर जलभराव हो रहा है क्योंकि नदियों के बैंक्स पर जो अतिक्रमण है उसकी वजह से नदियों को फुल फ्लो में बहने के लिए जगह नहीं मिल पा रही।
वही एमपी के उज्जैन में शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से घाटों तक पानी पहुंच गया। मध्य प्रदेश के ही अगर मालवा में भी सैलाब का संकट निकट हो गया है। सड़कों पर दरिया बह रहा है, बारिश का पानी अब तबाही का सबब बन गया है। दर्जनों गांव, खेत खलिहान सब पानी डूबे हुए नजर आ रहे हैं। हे प्रभु, और गुजरात के सौराष्ट्र की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वहां पर भी हालात खराब है। किस तरीके से सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों के अंदर दुकानों में पानी घुस गया है, लगातार लोग उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल कई घंटे से लगातार बारिश हो रही है, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। पानी भर जा रहा है सड़कों पर, सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी है, जिसकी वजह से देखिए ऑटो किस तरीके से पानी में फंस गया और ऐसे कई वाहन पानी में फंस जाते हैं। और ये नतीजा यही हो रहा है कि कई घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। अब पहाड़ी इलाकों में आपको लिए चलते हैं। उत्तराखंड के चंपावत में भी भारी बारिश हो रही है, हालात बहुत बुरे हैं। यहाँ पर बारिश के बाद सड़क धंस गई। वही उत्तराखंड के देहरादून में भी मूसलाधार बारिश हो रही है, तेज बारिश के चलते जगह जगह पानी भर रहा है। पहाड़ों में खासतौर पर लैंडस्लाइड की घटनाएं पिछले कई दिनों में लगातार सामने आ रही हैं। तो पहाड़ी इलाकों की तस्वीर आपने देखी, लेकिन उत्तर प्रदेश में बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। पिछले कई दिनों से यहां पर कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, खासतौर पर 20 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं जहां पर बाढ़ है। इसमें 18 लाख लोग प्रभावित हैं और 1000 गांव में पानी भर चुका है। लोगों के खेत खलिहान पानी में डूब चुके हैं। 12,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। वहां पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं, लोगों में राहत सामग्री बांटी जा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्राउंड पर उतरकर लोगों से मिले थे, बाढ़ प्रभावित इलाकों का उन्होंने जायजा लिया था। और इसके साथ साथ 1,178 फ्लड पोस्ट वहां पर बनाए गए हैं, 804 राहत कैंप बनाए गए हैं ताकि लोगों को रेस्क्यू करके उन राहत कैंप में ले जाया जाए, ताकि जिन लोगों के घर पानी में डूब गए हैं उनको कम से कम कहीं रहने की जगह मिल पाए। यूपी के किस जिले में नदी ने कहर बरपा रखा है वो आपको दिखाते हैं कि कहां कहां किस तरीके से नदियां उफान पर है। शाहजहांपुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, शाहजहांपुर की बात करें तो यहां पर रामगंगा, खर्रा और खनौत नदी ये इस वक्त उफान पर है। साथ ही साथ बलिया में घाघरा नदी इस वक्त तांडव मचाए हुए हैं। सिद्धार्थनगर की बात करें तो यहां पर राप्ती नदी इस वक्त उफान पर है। गोरखपुर में भी राप्ती नदी ने इस वक्त कहर बरपा रखा है। सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती और कुन्हरा नदी ये वो नदियां हैं जो इस वक्त ओवरफ्लो हो रही है। महाराजगंज में रोहित नदी इस वक्त लगातार अपने ओवरफ्लो पर से बह रही है। क्वानो नदी गोंडा में और सीतापुर में गोमती नदी इस वक्त लगातार तेज फ्लो से बह रही है। वही देश में आज कहां कहां बारिश का अलर्ट है वो आपको दिखाते हैं। जिन जिन इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया, खासतौर पर रेड अलर्ट की बात करें तो ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये खासतौर पर जो कोस्टल एरियाज हैं वहां के लिए मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं इसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के भी मेघालय, असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, इन इलाकों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में लगातार मौसम विभाग की तरफ से पल पल का अपडेट दिया जा रहा है, लोगों से सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है।